हेलो डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम लोग बात करेंगे ग्रेविटेशन के लेक्चर 5 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द थ्रस्ट एंड द प्रेशर। ओके बेटा, तो देखिएगा थ्रस्ट और प्रेशर को थोड़ा सा समझते हैं कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अबाउट थ्रस्ट को लेकर, क्योंकि थ्रस्ट एक ऐसा वर्ड होता है जो कि उनकी डेली लैंग्वेज में नहीं आता, इसलिए बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। तो आइए आज हम लोग समझेंगे थ्रस्ट को भी क्या होता है, ठीक है। सो आवर टॉपिक इज थ्रस्ट एंड द प्रेशर। तो कह रहा है अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। बेटा देन इट मींस टू से कि आवर थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स। हमारा थ्रस्ट जो होता है ये फोर्स ही होता है एक तरीके का। बेसिकली ये क्या होता है बेटा, एक तरीके का फोर्स होता है। द थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो उसी को कह रहा है द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलरली टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। आगे कह रहा है द इफेक्ट ऑफ द थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, द प्रेशर इज द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं कि बात प्रेशर की भी यहां कर लिया है तो जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। देखिएगा बेटा, जनरली हम लोग एक चीज जानते हैं दैट प्रेशर इज इक्वल टू जनरल फॉर्म में अप्लाइड फोर्स अपॉन यूनिट एरिया, ठीक है, हम लोग ये जानते हैं द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बट देखिएगा जब किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, कैसे लग रहा है बेटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स क्या कहला सकता है बेटा, थ्रस्ट। इस फोर्स को हम लोग कह सकते हैं थ्रस्ट, ठीक है बेटा। तो जब फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ऑब्जेक्ट के 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई हो रहा है, देन दिस फोर्स इज कंसीडर्ड एज द थ्रस्ट। सो प्रेशर इज आल्सो डिफाइंड, सो द प्रेशर इज आल्सो डिफाइंड, फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, थ्रस्ट भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? प्रेशर को जनरली हम पी फॉर्म से दिखाते हैं, थ्रस्ट या फोर्स को एफ अपॉन यूनिट एरिया, सो दैट इज आवर फॉर्मूला। तो हम फोर्स बोलें या थ्रस्ट बोलें बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस फोर्स और थ्रस्ट में हम लोग इतना ही कहेंगे। देखो बेटा जब भी प्रेशर निकालना होता है तो फोर्स कहीं ना कहीं परपेंडिकुलरली ही एक्ट करता है, तो इसलिए हम उस फोर्स को क्या बोल देते हैं बेटा, थ्रस्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? थ्रस्ट। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है बेटा, जो फोर्स होता है वही थ्रस्ट होता है। बट केवल एक चीज हमको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है किसी ऑब्जेक्ट पर तभी हम उस फोर्स को थ्रस्ट के कंसीडर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हमारा ये हो जाता है बेटा थ्रस्ट, यानी कि थ्रस्ट इज अ काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्टेड परपेंडिकुलरली टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट पर परपेंडिकुलरली अप्लाई होने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, थ्रस्ट बोल देते हैं। तो यहां पर आपको कोई भी कंफ्यूजन अपने मन में नहीं रखनी है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो थ्रस्ट होता है वो फोर्स ही होता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू थ्रस्ट। ओके आगे देखते हैं बेटा, आगे कह रहा है बेटा द एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूंगा बेटा तो इसकी एसआई यूनिट होती है पास्कल। द फोर्स एक्टिंग ऑन एन स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर प्रेशर देन द सेम फोर्स एक्टिंग ऑन ए लार्जर एरिया। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, इस लाइन को कहना क्या जा रहा है, एक्सप्लेन करते हैं स्लो, ठीक है बेटा। देखिएगा फोर्स जनरली हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला आता है, जनरली हमारे पास जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो है फोर्स अपॉन एरिया या थ्रस्ट अपॉन एरिया। So, इस फॉर्मूले से हम एक चीज क्लियरिफाई कर सकते हैं, द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड आल्सो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि यूनिट एरिया जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब अगर फोर्स इंक्रीज करेगा तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, इफ द फोर्स इंक्रीजेस देन आवर प्रेशर इंक्रीजेस, अगर फोर्स डिक्रीज कर रहा है तो हमारा प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। सेम एज यहाँ, यहाँ भी वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रोपोर्शन का साइन है बेटा वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज करने के लिए हमें क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया डिक्रीजेस
देन प्रेशर इंक्रीजेस। जितना छोटा एरिया होगा उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा, और जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम प्रेशर लगेगा। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हमारे डेली लाइफ के फेनोमेना में देखने को मिलते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ यूनिट की, प्रेशर की यूनिट। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर स्क्वायर। सो 1 पास्कल इज द प्रेशर इज 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ये होता है। अब आपसे कहता है डिफाइन 1 पास्कल, तो अगर आपको 1 पास्कल को डिफाइन करना होगा तो आप क्या डिफाइन करेंगे? सो 1 पास्कल इज द प्रेशर, ठीक है, 1 पास्कल इज दैट प्रेशर व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टेड ऑन अ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। ठीक है, जब 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर 1 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है या थ्रस्ट एक्ट कर रहा है, तो उस टाइम प्रेशर कितना आएगा बेटा? 1 पास्कल। प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा? 1 पास्कल। पास्कल बेसिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग पीए लिख के शो करते हैं। जैसे न्यूटन को एन, मीटर को एम, ऐसे ही पास्कल को हम लोग पीए लिख के शो करते हैं। सो दैट इज द फोर्स, 1 पास्कल इसकी यूनिट हो जाती है, सॉरी पास्कल इसकी यूनिट हो जाती है बेटा। सो किस तरीके से आप 1 पास्कल को डिफाइन करते हैं, यहां मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब इसके कुछ डेली लाइफ के हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, कुछ एक्सप्लेनेशन है। कह रहा है एक्सप्लेनेशन ऑफ द सम एवरीडे ऑब्जर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर। प्रेशर के बेसिस पे चीजों को हम समझते हैं। पहला कह रहा है स्कूल बैग हैव वाइड स्ट्रैप। जो इतने भी स्कूल बैग वगैरह होते हैं बेटा, आप लोगों ने देखे होंगे कि आप स्कूल वगैरह जाते हो तो आपके पास एक बैग पर्टिकुलरली होता है। तो स्कूल बैग के जो स्ट्रैप्स होते हैं बेटा, वो चौड़े क्यों होते हैं, वाइड स्ट्रैप्स क्यों होते हैं? ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पर आपको स्ट्रैप्स बेसिकली कुछ दिखाई दे रहे होंगे कि ये स्ट्रैप देखिए, ये कम से इतना चौड़ा स्ट्रैप है। ये इतना चौड़ा चौड़ा स्ट्रैप हम कंधों पर क्यों लगाते हैं? क्या इसकी जगह हम पतला स्ट्रैप यूज कर सकते हैं कि नहीं? ये ज्यादा बेटर है या फिर और पतला स्ट्रैप ज्यादा बेटर है? तो हम थोड़ा सा समझते हैं बेटा। देखिएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा पूरा बैग होता है। अब इस पूरे बैग का एक वेट होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, दैट इज कॉल्ड एमजी। एमजी मतलब वेट, और वेट इज आल्सो इज अ टाइप ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स कहां एक्ट कर रहा है? ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन इसको कौन रोका हुआ है? ऑब्वियस सी बात है, इसके स्ट्रैप्स हमारे कंधों से लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा वेट हमारे कंधों पर जा रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्शन रिएक्शन। तो हमारे कंधों पर सारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो कहीं ना कहीं फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे दोनों कंधों पर हो रहा है। ठीक है, तो फोर्स हमारे दोनों कंधों पर लग रहा है। ठीक है बेटा, अब इसका मतलब ये हो गया कि फोर्स हमारे दोनों कंधों पर लग रहा है। अगर एरिया, ठीक है, अब वो फोर्स हमारे कंधों पर किसके थ्रू लग रहा है? इन स्ट्रैप्स के थ्रू लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ऑब्वियस सी बात है, हमारे कंधों पर जो फोर्स लग रहा है वो इन स्ट्रैप्स के थ्रू ही लग रहा है। तो अगर इन स्ट्रैप्स का एरिया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ द प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स तो लग ही रहा है। तो अगर हमारा एरिया छोटा होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी, तो हमें यहाँ पर प्रेशर ज्यादा फील होगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बैग की वजह से हमारे कंधों पर मिनिमम प्रेशर आए, तो हम क्या करेंगे? वाइड स्ट्रैप वगैरह वाले बैग यूज करते हैं, क्योंकि वाइड स्ट्रैप में क्या हो जाता है बेटा? क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बड़ा हो जाता है, और इसके बड़े होने से क्या होता है कि फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रेशर कम फील होता है। तो जितने भी बैग होते हैं बेटा स्कूल बैग, ये याद रखिएगा कि अच्छे स्कूल बैग वही होते हैं जिनका वाइड स्ट्रैप होता है, क्योंकि वाइड स्ट्रैप के जितने भी बैग होंगे वो हमारे शोल्डर पर कम प्रेशर को अप्लाई करने देते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइड स्ट्रैप क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा बेटा, और क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होने से क्या हो जाता है बेटा? प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से हमें वाइड स्ट्रैप लेने चाहिए। तो आजकल आपने देखा होगा कुछ लोग थिन स्ट्रैप भी पसंद करते हैं, लेकिन थिन स्ट्रैप की बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि थिन स्ट्रैप से प्रेशर डिक्रीज नहीं होता, इवन इंक्रीज हो जाता है। उसमें हल्के से भी फोर्स की वजह से अगर एरिया उसका थिन है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसीलिए आपको हमेशा ब्रॉड यानी कि वाइड स्ट्रैप वाले बैग्स वगैरह लेने चाहिए। अगर आपके बैग में कॉपीज या बुक्स वगैरह नंबर्स ज्यादा हैं, तो आपको वाइड स्ट्रैप्स के बैग यूज करने चाहिए, जिसकी वजह से प्रेशर कम होता है। और इसी वजह से स्कूल बैग, मैक्सिमम स्कूल बैग आपने देखे होंगे कि उनमें वाइड स्ट्रैप होते हैं, ताकि आप उनको प्रॉपरली यूज करें और वो ज्यादा डिफेक्ट भी ना करें आपको। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे कह रहा है बेटा अगला, शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। तो पहले तो हम शार्प नाइफ और ब्लंट नाइफ की बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा नाइफ, तो नाइफ में एक हिस्सा जो होता है बेसिकली ये हमारा नाइफ होता है, बेसिकली ये हमारा नाइफ होता है, ठीक है। तो हमारा ये वाला हिस्सा जो होता है बेटा ये एज्ड हिस्सा होता है और ये वाला थोड़ा सा ब्लंट हिस्सा होता है। ये ब्लंट हिस्से का मतलब क्या होता है समझिए, ये थोड़ा सा ब्लंट रीजन होता है, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो हमारा नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफी शार्प हिस्सा होता है, ठीक है। अब ये शार्प पोर्शन होता है, शार्प पोर्शन का मतलब यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा क्या होता है, मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम होने से जब हम इधर से कोई चीज कट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाइड करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम मिनिमम फोर्स से मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, मिनिमम है। तो अगर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया मिनिमम है तो हम मिनिमम फोर्स लगाते हुए भी मैक्सिमम प्रेशर को अप्लाई करते हैं। इसीलिए कह रहा है द शार्प नाइफ कट बेटर देन ए ब्लंट नाइफ। तो शार्प नाइफ होते हैं क्योंकि उसका एरिया क्या होता है बेटा, देखिए यहाँ पे लिखा है स्मॉल एरिया, तो ये जो रीजन होता है बेटा ये काफी स्मॉल एरिया का रीजन होता है और यहां से फोर्स लगता है, ठीक है। तो एक मिनिमम एरिया होने की वजह से फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर प्रेशर यानी कि हाई प्रेशर अप्लाई होता है, जिसकी वजह से शार्प नाइफ जो होता है वो किसी भी चीज को इजिली कट करता है बेटा, ठीक है। लेकिन उसी की जगह मैं ब्लंट नाइफ ले लूं या फिर नाइफ को उल्टा कर लूं जिसके पास एज अच्छी नहीं है। ब्लंट नाइफ का मतलब ऐसे नाइफ जिनकी एजेस अच्छी नहीं है। तो तुमने देखा होगा कुछ नाइफ होते हैं बहुत ही इजीली वगैरह काटते हैं क्योंकि उनके पास शार्पनेस अच्छी होती है। कुछ नाइफ खराब हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम्स, जब उनको यूज करते रहते हैं कुछ टाइम के बाद वो खराब हो जाते हैं, वो अच्छे से कट नहीं करते। तो ऐसे नाइफ हमारे ब्लंट नाइफ हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी शार्पनेस क्या होती है एज ए पासेज ऑफ टाइम और यूज करते करते उनकी शार्पनेस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है या शार्पनेस उतनी रह नहीं जाती, तो वो थोड़े से ब्लंट हो जाते हैं। तो अगर मैं ब्लंट के एरिया से करूं तो ब्लंट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है, इसलिए उसका एरिया क्या हो जाता है बेटा, बड़ा हो जाता है, लार्ज एरिया हो जाता है। और फोर्स तुम उतना ही लगा रहे हो तो क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सही से या प्रॉपरली कट नहीं होता है बेटा। तुम चाहो तो इसका एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हो, एक बार आप नाइफ से सीधा काटिए फिर उल्टा काटिए तो आपको एकदम डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये सब हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। तो जो ब्लंट नाइफ होता है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होने की वजह से या लार्जर एरिया होने की वजह से प्रेशर ज्यादा एग्जर्ट नहीं होता और इस वजह से वो चीजों को सही से या परफेक्टली कट नहीं कर पाता है, ठीक है बेटा। ओके आगे देखते हैं। अब देखिएगा क्या रहा बेटा, टिप ऑफ नीडल और नेल इज शार्प। जो नीडल या टिप होती है, द टिप ऑफ द नीडल एंड नेल इज शार्प, जो नीडल की टिप होती है या नेल की टिप होती है उसको शार्प बनाते हैं। क्यों शार्प बनाते हैं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। शार्प इसलिए बनाते हैं क्योंकि बेसिकली जो नीडल होती है बेटा या टिप, अगर मैं नीडल या टिप की बात नेल की बात करूं तो बेसिकली नीडल या नेल क्या करने के लिए काम यूज होती है, नेल का तो यूज आप जानते होंगे कि इसको किसी चीज को सेट करने में या किसी चीज में अंदर स्ट्राइक करने में काम आती है। नीडल वगैरह भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होती है, इनका भी एरिया शार्प होता है। क्यों शार्प होता है इनका एरिया समझते हैं। तो आपको दिखाई देगा, देखिए यहां पर एक नीडल है और इसका ये एरिया जो है दैट एरिया इज काफी स्मॉल एरिया है। क्या है बेटा, काफी स्मॉल एरिया। देखिए सेम यही एरिया यहां पर भी है, ये काफी स्मॉल एरिया होता है। अब इस स्मॉल एरिया से जब हम किसी चीज पर स्ट्राइक करते हैं तो फोर्स तो लगा ही रहे हैं, तो फोर्स लगा लिए और एरिया हमारा मिनिमम है, तो अगर मिनिमम स्मॉल एरिया है हमारे पास तो फोर्स थोड़ा सा भी अप्लाई करेंगे तो प्रेशर मैक्सिमम हमें गेट होता है। कैसा गेट होता है, मैक्सिमम प्रेशर हमें गेट हो जाता है बेटा। आगे देखिए, तो अगर प्रेशर हमें गेट करता है तो फिर हम उस नीडल का यूज प्रॉपर या इजी वे में कर लेते हैं या नेल का यूज इजी वे में कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड जैसे ये मान लीजिए ये कार्डबोर्ड है। अब इस कार्डबोर्ड में हमें इस नेल को करना है तो हमें इस नेल को किस तरीके से हैमरिंग करें कि नेल परफेक्टली अंदर चली जाए, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका ये है। तो हमने जब इस नेल को यहां से हैमरिंग की या फोर्स लगाया तो ये नेल ऑब्वियस सी बात है यहां तक पहुंची, ये नेल थोड़ी सी स्ट्राइक होकर इस पोजीशन तक पहुंच जाएगी इसके अंदर पेनिट्रेट करते हुए।
लेकिन इस कंडीशन में यानी कि कंडीशन बी में अगर मैं प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा कि ये नेल यहीं शायद रह जाएगी और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहली वाली कंडीशन में अगर आप देखेंगे बेटा, तो पहली वाली जो कंडीशन है इसमें नेल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये काफी छोटा एरिया है, और छोटा एरिया होने की वजह से मैक्स जो फोर्स की वैल्यू है उसकी वजह से प्रेशर जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। हाईएस्ट प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन का काफी छोटा है, यानी कि शार्प है एकदम। इस वजह से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है और ये नेल को क्या करेगा, अंदर की तरफ स्ट्राइक कर देगा। बट अगर मैं नेल को उल्टा कर दूं, मैं नेल को उल्टा कर दूं, जिसकी वजह से क्या हो गया बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया काफी लार्ज हो गया। ये क्या हो गया बेटा, काफी लार्ज हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, और अब इस पे जब आप फोर्स लगाओगे तो एरिया बड़ा होने की वजह से, एरिया लार्ज होने की वजह से फोर्स ज्यादा इंपैक्ट करेगा नहीं, तो प्रेशर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर मिनिमम प्रेशर आएगा। तो पता चलेगा कि अगर इस उल्टे तरीके से हम कर रहे हैं तो हमारी जो नेल है वो पेनिट्रेट ही नहीं करेगी कार्डबोर्ड को, या इसमें स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगी सही से, ठीक है, ये फिक्स नहीं हो पाएगी उसमें, बल्कि इवन ये फिक्स हो जाएगी बेटा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नेल या नीडल जो होते हैं उनको काफी शार्प बनाते हैं बेटा, ओके। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं बेटा, ठीक है, हैवी व्हीकल्स हैव ब्रॉड टायर, उनके टायर वगैरह काफी ब्रॉड होते हैं। अब आपके सामने एक इमेज दिखाई दे रही होगी, ये देखिए ये कितना हैवी व्हीकल है। अब इसके सामने एक छोटा सा पर्सन खड़ा, इस पर्सन को देख के आप इमेजिन करिए कि ये व्हीकल कितना हैवी है, ठीक है। अब इस पर्सन की हाइट इस व्हीकल के टायर के इक्विवेलेंट तक नहीं है, सोचिए एक नॉर्मल पर्सन से भी बड़ा टायर, लगभग अप्रोक्सीमेटली 2 times बड़ा टायर है, तो इसकी व्हीकल कितनी हैवी होगी, कितना ज्यादा लोड होगा। तो ऐसी हैवी व्हीकल्स के लिए हम लोग जो टायर यूज करते हैं वो काफी ब्रॉड टायर यूज करते हैं, हमें इतना ब्रॉड टायर यूज करने की जरूरत है। आप देख रहे होंगे कि ये काफी ब्रॉड टायर है। अब आप इसके अकॉर्डिंग कंपेयर कर लीजिए कि इसके लगभग 2 से 3 लोग इस टायर के बीच में आ सकते हैं, यानी कि काफी ब्रॉड टायर है, इतना ब्रॉड टायर, 1 एक इधर भी होता है और पीछे 2-2 टायर होते हैं इतने ही सेम ब्रॉड, तो 4, 5, 6 लगभग 6 टायर हम लोग यूज करते हैं। ऐसा क्यों यूज करते हैं और वो भी इतना ब्रॉड टायर क्यों यूज करते हैं? अब देखिएगा, जब ये टायर ग्राउंड पर टच होता है तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया काफी बड़ा होता है, तो ऐसे ही 1, 2 और पीछे 2-2, तो इतने बड़े बड़े एरिया पे जब ये टच करता है तो इसका, इस ऑब्वियस सी बात है ये एक हैवी व्हीकल है, तो इसका एक वेट नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, W=mg, ठीक है, तो W=mg हमारा काम कर रहा होगा, तो मान लेते हैं यहां हमारा mg काम कर रहा है, ठीक है, तो ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो इसका मतलब ये ग्राउंड पर क्या लगाएगा बेटा, प्रेशर लगाएगा। तो ग्राउंड पर अप्लाइड प्रेशर को मिनिमम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके हैवी टायर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, जिससे क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाए बेटा, जिससे क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और जब क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो जाएगा तो फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है उसकी वजह से भी कोई फायदा नहीं होगा, तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो होगा वो बड़े एरिया पर अप्लाई होगा, तो फोर्स प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। और इसी वजह से हम लोग जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं उनके जो टायर्स वगैरह होते हैं उनको काफी ब्रॉड रखा जाता है, ओके बेटा। आगे, कॉन्क्रीट स्लीपर आर केप्ट बिलो द रेलवे ट्रैक। कह रहा है रेलवे ट्रैक के बीच में कॉन्क्रीट स्लीपर्स वगैरह क्यों रखे जाते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिएगा, अब कॉन्क्रीट स्लीपर का मतलब जैसे ये 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 सारे के सारे क्या है बेटा, कॉन्क्रीट स्लीपर है, ये सब क्या है, कॉन्क्रीट स्लीपर है। अब इस पे ट्रेन, ये पतली पतली हम लोगों ने क्या लगा दिया, ये ट्रैक है ये दोनों हमारे, अब इसमें कॉन्क्रीट स्लीपर्स क्यों लगाए। अब पहले तो रीजन ये देखिए कि ऑब्वियस ही बात है, ये एक सॉलिड मेटल का बना हुआ ट्रैक होता है, ये एक सॉलिड मेटल का बना हुआ ट्रैक होता है। अब ये ट्रैक काफी थिन होते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो इनका क्रॉस सेक्शन एरिया काफी पतला होता है। अब इसको जब इस पे रखते हैं तो एक तो ये काफी वेट तो होते ही है, साथ ही साथ इनके ऊपर हैवी व्हीकल्स जस्ट लाइक ट्रेन, तो इसका मतलब इस पे ट्रेन जो कि काफी वेट होती है, तो ट्रेन जब इस पे पास करेगी, अगर हमने मान लो कि हमने कॉन्क्रीट स्लीपर्स नहीं लगाए और इस केवल हमने क्या कर लिया है, इन छोटे छोटे जो हमारे स्टोन्स हैं इनके ऊपर हम लोगों ने ट्रैक को लगा दिया, तो जब इनके ऊपर से ट्रेन पास होती है तो ये क्या होंगे, इनका क्रॉस सेक्शन एरिया पतला होने की वजह से ये क्या होंगे बेटा,
जितने भी स्टोन्स हैं उनको डिस्प्लेस करते हुए नीचे की तरफ दबते जाएंगे क्योंकि ट्रेन के ऊपर एक प्रेशर डालेगी, तो क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा जिसकी वजह से ये नीचे दबते जाएंगे और ट्रेन डीरेल हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉन्क्रीट स्लीपर डालते हैं। अब कॉन्क्रीट स्लीपर डालने से बेटा एक्चुअल में हुआ क्या कि लगभग ये जो पूरा का पूरा रीजन है इसका एरिया हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब ऐसे ही थोड़ी थोड़ी दूर पे हम कॉन्क्रीट रीजन लगाते हैं तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है बेटा, बढ़ता जाता है, एरिया का बढ़ेगा, एरिया इंक्रीज होता जाता है। अब इसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो एरिया का इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका होता है कि उस पर इतना हैवी वेट आने के बाद भी कोई इफेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे एरियाज मिलकर बहुत बड़े एरियाज बन जाते हैं और इन एरियाज पर जब हैवी लोड आता भी है तो एरिया इतना ज्यादा ब्रॉड हो चुका होता है कि प्रेशर को वो मिनिमम कर देता है। क्या कर देता है बेटा, मिनिमम प्रेशर कर देता है। तो मिनिमम प्रेशर की वजह से ये जितने भी रेलवे ट्रैक्स वगैरह होते हैं बेटा, ये ना ही डिस्प्लेस हो पाते हैं और ना ही नीचे की तरफ जा पाते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेलवे ट्रैक्स वगैरह में इस तरीके की जो कॉन्क्रीट, ठीक है, ये जो कॉन्क्रीट स्लीपर्स वगैरह होते हैं इसलिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं बेटा। आगे दिया है कैमल वॉक्स इजली इन डेजर्ट। कैमल जो होता है बेटा वो, अब हम बात करेंगे, कैमल जो होता है वो डेजर्ट में इजली चलता है। इजली क्यों चलता है, एक्चुअल में देखिएगा ये कैमल के पैर होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा पैर, इसके पैर पहले तो काफी गद्देदार होते हैं, ठीक है, यानी कि काफी गद्देदार होते हैं, फ्लफी टाइप के होते हैं और प्लस इनका जो एरिया होता है बेटा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया काफी बड़ा एरिया होता है। अब ये काफी बड़ा एरिया यानी कि 1, 2, ये 3, ये 4, ये काफी बड़ा एरिया होने की वजह से इस कैमल का जो टोटल वेट होता है mg, वो इन चारों बड़े बड़े एरियाज पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और जब क्रॉस सेक्शन एरिया काफी इंक्रीज हो जाता है, जब एरिया क्या होता है इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। और इसी वजह से डेजर्ट में लार्जर एरिया वाले जितने भी जानवर जस्ट लाइक कैमल है वो बहुत ही ईजिली क्या करते हैं, वॉकिंग या रनिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है तो वो क्या होंगे, इस रेत में यानी कि डेजर्ट में थोड़ा सा पेनिट्रेट करते हुए अंदर चले जाएंगे और कंफर्टेबली वो नहीं चल पाएंगे। ठीक है, इस वजह से कैमल काफी कंफर्टेबली डेजर्ट में वॉक कर लेते हैं। आगे देखते हैं बेटा, कह रहा है स्कीयर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्कीज। जितने स्कीयर्स होते हैं, स्कीयर्स मतलब आपने देखा होगा बर्फ पे लोग स्कीइंग करते हैं, ठीक है, तो स्कीयर्स जो होते हैं वो लॉन्ग फ्लैट स्की यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादातर उन्हें स्की बर्फ पे करनी होती है, आइस पे, और आइस काफी सॉफ्ट होती है बेटा, सॉरी बेटा, तो आइस काफी सॉफ्ट होती है। तो अगर आप उस पे अपने बेयर फुट जाते हैं यानी कि इतने छोटे एरिया के साथ जाते हैं तो आप क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए ये बर्फ है तो अगर आप इसके ऊपर जाते भी हैं तो होता क्या है, आप थोड़ा सा इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो आप कंफर्टेबली ना रनिंग कर पाते हैं ना वॉकिंग कर पाते हैं क्योंकि आप उस चीज के अंदर आ जाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो आपकी बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम होता है जिसकी वजह से आप उसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर आते हैं। लेकिन बर्फ में क्या करेंगे हम लोग, स्कीयर्स जो भी होते हैं वो फ्लैट स्की यूज करते हैं। लॉन्ग फ्लैट स्की क्यों यूज करते हैं, अभी देखिएगा इनके पैर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो स्की के कंपैरिजन में काफी छोटा दिख रहा होगा। अब ये क्या करेगा, ये बर्फ में इजिली नहीं चल पाएगा, लेकिन यही सेम चीज इनका क्रॉस सेक्शन एरिया इस बार देखिए इतना बड़ा हो गया, केवल एक पैर का क्रॉस सेक्शन एरिया इस छोटे से के कंपैरिजन के कंपैरिजन में काफी बड़ा हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। सेम यही क्रॉस सेक्शन एरिया यहां भी आया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा जब बड़ा हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, यानी कि एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो एरिया इंक्रीज होने से हमारा प्रेशर क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। तो एरिया अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। अब इसको यूज करके जितने भी स्कीयर्स वगैरह होते हैं वो आराम से स्कीइंग वगैरह करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो कि हमारे प्रेशर के डेली लाइफ के फेनोमेना में आती हैं। ओके, आगे देखते हैं बेटा, आगे देखिएगा बेटा, हमारे पास एक बेसिक न्यूमेरिकल है तो थोड़ा सा मैं आपको न्यूमेरिकल बता देता हूँ। कह रहा है अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज अ मास ऑफ 4 kg एंड द लेंथ ब्रीथ एंड द हाइट ऑफ दिस ब्लॉक इज दिस 50, 25 and 10 respectively, find the pressure on the table when the block placed in 3 different conditions. तो आइए इसको करते हैं। पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, चीजों को नोट डाउन करेंगे कि क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले आपको मास गिवन है तो मास लिख लीजिए, मास कितना आ गया बेटा 4 kg।
फिर आपको दिया है ब्लॉक्स की एल बी एच, तो लेंथ 50, बी 25 और एच 10। अब कह रहा है कि इसको थ्री डिफरेंट कंडीशन, देखिएगा अगर इस तरीके का हमारा ब्लॉक है, देखिए बेटा ये हमारा ब्लॉक है, ये 50 मीटर की लेंथ है, ठीक है, और ये 25 मीटर की ब्रेथ है मान लीजिए, और ये जो एरिया है ये 10 सेंटीमीटर की हाइट है, ये क्या बेटा 10 सेंटीमीटर की हाइट है। तो इसको तीन डिफरेंट तरीके से हम रख सकते हैं, तीन डिफरेंट तरीके से कैसे रख सकते हैं, या तो इन दोनों सरफेस के अकॉर्डिंग रखें, देखिए, या तो इन दोनों सरफेस के अकॉर्डिंग रखें, तो इन दोनों सरफेस के अकॉर्डिंग रखने का मतलब 50 और इनटू दिस, यानी कि 50 इनटू 10, एक सरफेस ये हो जाएगा, दूसरा सरफेस क्या आ सकता है, दूसरा सरफेस हमारा ये आ सकता है, ये वाला सरफेस। अब ये सरफेस क्या है 25 इनटू 10, ओके, तीसरा सरफेस क्या आ सकता है बेटा हमारा, तो हमारा तीसरा जो सरफेस आ सकता है बेटा ये देखिएगा, वो सामने वाला ये वाला सरफेस आ सकता है, ये सरफेस क्या है बेटा, ये 50 इंटू 25 है। तो ये तीन तरीके से हम चीजों टेबल पर इनको रख सकते हैं, और इन तीन तरीके से रखने पर मिनिमम प्रेशर कब होगा या मैक्सिमम प्रेशर कब होगा, तीनों को काउंट करना है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं, तो केस वन, केस वन, एरिया इज इक्वल टू 50 इंटू 25, सो द प्रेशर इज इक्वल टू, तो प्रेशर लिखते हैं, फोर्स कितना बेटा 4 kg, और ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये कितना बेटा सेंटीमीटर में, सॉरी मास इतना दिया है ना, ये मास दिया है, इसमें 10 कर लेंगे तो वेट आ जाएगा, क्योंकि मास दिया है इसमें 10 करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, वेट आ गया, अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, ये देखिए सेंटीमीटर में दिया है, इसको हम लोग बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे दैट इज 0.5, ओके, इसको करेंगे तो 0.25। आगे देखते हैं, तो ये हो गया बेटा 40 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0.125, कितना आ गया 0.125, ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, अब कैंसल आउट कर सकते हैं हम लोग, ऑब्वियस ही बात है चीजों को हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, तो 25 5 इतना आया, 5 से फिर कैंसल आउट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, सो द प्रेशर इज इक्वल टू 320 पास्कल। तो जब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ये निकला तो हमारा प्रेशर कितना आ रहा है बेटा 320 पास्कल, ठीक है, गिवन केस टू। इस बार हमारा एरिया क्या आ गया बेटा 50 इंटू 10, इस बार हमारा एरिया 50 इंटू 10 का आ गया, तो अगर 50 इंटू 10 का एरिया आ रहा है तो इसका मतलब 0.5 इंटू 0.1, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.05 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सो द प्रेशर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 अपॉन 0.05 इज इक्वल टू 100 बाई 100, विच इज इक्वल टू 4000 बाई 5, तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 800 पास्कल, काफी ज्यादा है। इसके बाद केस थ्री, केस थ्री में हम लोगों ने एरिया क्या ले लिया बेटा 25 इंटू 10, सो दैट इज 0.25 और इंटू 0.1, सो दैट इज इक्वल टू 0.025, ठीक है बेटा, ये आ गया हमारा एरिया मीटर स्क्वायर में। प्रेशर इज इक्वल टू 4 इंटू 10 अपॉन 0.025,
और इनटू 1000 कर लो, सो विच इज कैंसल आउट कर दो, कितना आ गया बेटा 1600, सो द प्रेशर इज इक्वल टू 1600 पास्कल। तो ये कब आया, ये सबसे बड़ा प्रेशर था जब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया बेटा 25 × 10, यानी कि 25 × 10, ठीक है। तो इसका आंसर आया था 0.025 मीटर स्क्वायर। तो हमारा जब एरिया सबसे कम होता है, हमारा जो एरिया सबसे कम होता है बेटा, तो तब जाके हमारे पास प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहां पर हम लोगों ने निकाला एक मैक्सिमम प्रेशर जब हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था बेटा, सबसे कम था। और जब सबसे ज्यादा हमारे पास एरिया होता है तो सबसे मिनिमम प्रेशर आता है, ठीक है बेटा। तो आई होप आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, इसको रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्कस कर सकते हैं बेटा, ओके। मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, प्रेशर इन फ्लूइड के साथ, ओके बेटा, बाय बाय।